यह फोरम आईएएस एकेडमी द्वारा आयोजित एक मॉक इंटरव्यू है। फोरम आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भारत की अग्रणी एकेडमी है। फोरम आईएएस अब अपने छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज व्यक्तित्व परीक्षण के अलावा सीएपीएफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी साक्षात्कार मार्गदर्शन सहायता प्रदान करता है। आकाश, यू आर फ्रॉम अशोकनगर। जी सर, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। सो यू विल लाइक टू हैव योर इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में कंटिन्यू करूंगा। हिंदी में, ओके फाइन। आकाश, आपकी ग्रेजुएशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से है, इंदौर में। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में कुछ बताइए, उनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे? सर, वो मध्य प्रदेश की और मालवा की हिस्ट्री में एक रेनाउंड फिगर हैं, और उनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन की सर बात करें तो जो उन्होंने कई बातिंग घाट डेवलप करवाए जो कि वुमेन फ्रेंडली थे महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, और सर इसके अलावा जो उन्होंने वुमेन के लिए हेरिडिटरी राइट्स हैं उनके लिए उन्होंने काम किया, और सर इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें जो है मालवा की हिस्ट्री में जो उनका पीरियड था 30 ईयर का रूल उसके लिए एक पीरियड ऑफ गुड गवर्नेंस के तौर पे देखा जाता। अच्छा आकाश, हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं? सर साइंस मींस एनीथिंग दैट हैव मींस फंडामेंटल्स, सेट ऑफ रूल्स, और सर जो कि सर किसी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, सर उस सेंस में जो है पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोला जाता। अच्छा, बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर कुछ जो मेथड्स रहते हैं वो अप्लाई होते हैं, तो इसलिए सर जो इसे साइंस बोला जाता है। अच्छा ठीक है। तो आकाश, अभी जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स में अगर कोई यू नो फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई हो, ठीक है जी, तो आकाश अभी हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस में इलेक्शन स्ट्रेटेजाइजिंग एक यू नो नीश बिजनेस बन गया है। मतलब कुछ फर्म्स हैं जो कि स्पेशलाइज कर रहे हैं कि हम आपको डेटा प्रोवाइड करके देंगे, एनालाइज करके देंगे, उसी हिसाब से आप कैंडिडेट चूज करिए, अकॉर्डिंगली फील्ड कीजिए। तो क्या आपके हिसाब से ये एक हेल्दी ट्रेंड है जो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ इलेक्शंस मूव कर रहे हैं? सर ये जो ट्रेंड है मैं जहाँ तक मानता हूँ ये वेस्ट से इंडिया की तरफ आ रहा है। हाँ। और इस तरीके से विनिंग परसेंटेज पर बेस्ड यदि किसी कैंडिडेट को जो है इलेक्शन में उतारा जाए और जो वेरियस डेटा है, चाहे सर वह जो कास्ट बेस्ड डेटा हो कि कौन सी जो है एरिया में किस कास्ट का वर्चस्व ज़्यादा है, उससे रिलेटेड अपने को जो है कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारना, तो सर मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में सर हेल्दी नहीं है। सो कहीं ना कहीं जो है पोलराइजेशन बढ़ता है इस टाइप की यूज़ करने से, और सर जो रियल कैंडिडेट्स होते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, सर उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता। ओके ओके। आकाश, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं काफी, वो बहुत कम महिलाओं को टिकट देती हैं, राइट? और उसमें एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि उनका विनिंग पोटेंशियल नहीं है इसलिए हम टिकट नहीं देते हैं। पर क्या ये एक रॉन्ग ट्रेंड है? एंड अगर लोगों को इस बात के लिए एजुकेट करना है कि वुमेन कैन ऑल्सो लीड, वुमेन कैन ऑल्सो गवर्न, तो जब MP में अहिल्याबाई होलकर जी थी, तो कैसे हम सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं कि आप वुमेन को इलेक्ट, अगर कोई वुमेन खड़ी होती है तो वो भी इलेक्ट हो सकती है, अगर वो कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए? सर जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे चेंज करने की जरूरत है। और सर यदि किसी स्टेज पर जैसे कि पंचायती राज में रिजर्वेशन हैं, यदि इस प्रकार के रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में लाए जाते हैं तो सर डेफिनेटली जो है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है। और इसके अलावा सर जो पॉलिटिकल विल है जो पार्लियामेंट के अंदर अभी जो लोग बैठे हुए हैं, यदि वो यदि स्ट्रॉन्ग विल दिखाएंगे तो सर डेफिनेटली जो है महिलाएं अपने घर से निकलकर जो है पॉलिटिक्स में एक बेहतर मींस जो अपना रोल अदा कर सकती हैं। अच्छा, आपने बोला कि पेट्रियार्की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी, और पंचायती राज रिजर्वेशन से वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ है, लेकिन उससे हम देखते हैं कि पंचायत पति का सिंड्रोम है, एंड उससे बल्कि एक सेंस में उससे पेट्रियार्की और एम्बोल्डन हो रही है कि जब आप पावर, आप देखते हो कि हम पावर रख सकते हैं, चाहे जब वो पर्सन खुद भी हो सकता है, उसकी वाइफ के थ्रू भी कर सकता है, तो इससे तो पेट्रियार्की और एम्बोल्डन होती है। सॉल्व कैसे होती है?
सर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जहाँ देखा है तो सर ये सरपंच पति का कॉन्सेप्ट मैंने तो कमी देखा है सर। महिलाएं जो है इस फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों, ग्राम सभा में अपना उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। और सर इस कॉन्सेप्ट को यदि हमें जड़ से मिटाना है तो सर जो ब्यूरोक्रेसी है और उसे एक बेहतर ढंग से काम करने की आवश्यकता है कि जो महिलाएं वहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके पति उनके बिहाफ पर आकर जो है असेंबलीज अटेंड ना करें, डिसीजंस ना लें, तो इसके लिए सर जो ब्यूरोक्रेसी को जो है कदम उठाने की ज़रूरत है। ओके, तो आकाश आपकी एक हॉबी आपने लिखा है रीडिंग बुक्स, जी सर। तो क्या पढ़ते हैं, फिक्शन या नॉन फिक्शन? सर ये जो मेरी हॉबी है, जो मेरा सेकेंड लॉकडाउन था कोविड के दौरान, हाँ उसी के दौरान एक नेसेंट हॉबी है सर जो मैंने अभी रिसेंटली डेवलप की है। तो अभी मैं सर रिसेंटली जो पर्सनलिटी डेवलपमेंट के लिए बुक्स होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, सर वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और आपने ये भी लिखा है कि आप बायोपिक्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स पे मूवीज देखते हैं, तो कौन सी आपने लास्ट कौन सी मूवी देखी है? सर जो शेरशाह मूवी है, वॉर फिल्म शेरशाह, जी सर, वो बायोपिक मैंने रिसेंटली देखी। ओके ओके, एंड कोई हिस्टोरिकल इवेंट पे जो मूवी आपकी फेवरेट हो? सर मूवीज लाइक पानीपत जो है सर मैंने वो देखी है, वो हिस्टोरिकल मूवमेंट में मुझे मूवी अच्छी लगती है। और सर हॉलीवुड मूवीज हैं कई, जैसे कि सर सेविंग प्राइवेट रायन, इमिटेशन गेम, सर वो मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स पर देखी। आकाश आपने मेंशन किया है कि आप सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते हैं, विच इज़ गुड, बट मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि यूट्यूब में आज की डेट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं, राइट, एंड दे गिव यू वेरी जनरलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट टू बूस्ट अप योर समटाइम्स योर कॉन्फिडेंस और समटाइम्स फॉल्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो वी कैन से। सो ऐसी चीजों से कैसे डील किया जाए? देर मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स आर स्प्राउटिंग बाय द डे, इतने सारे स्पीकर आ गए हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर जो मोटिवेशन जो आप बात कर रहे हैं सर, वो मुझे लगता है एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो कि आप सोशल मीडिया से या फिर आप बाहर से किसी सोर्स से गेन करते हैं। तो इसके उसमें सर मैं कहना चाहूँगा कि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है आपको किसी कार्य को करने के लिए, अपना करियर गोल हो, अपने फैमिली से रिलेटेड आप कोई गोल सेट करना चाहते हैं, तो सर उसके लिए इनर मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। और सर जितना कंटेंट है उसे आप देख सकते हैं, अपने लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ना कि जो जनरल उन्होंने बताया है उसे अपने जो अपनी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें भी अप्लाई करके सर अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। ओके ओके, आकाश कुछ समय पहले ये न्यूज़ में आया था कि BSF ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराई थी, NHRC ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराई थी जिसका टॉपिक ये था कि क्या ह्यूमन राइट्स हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं, राइट? सो आपका इस टॉपिक पे क्या व्यू पॉइंट है कि क्या कई केसेस में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं वो हमें एग्जैक्टली हिंडर करते हैं कि जिस तरीके से हमारा सिक्योरिटी रिस्पॉन्स होना चाहिए? सर एज अ ह्यूमन हमने जब अर्थ पे जन्म लिया है तो सर कुछ राइट्स हमें बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन मिलते हैं, तो सर जैसे कि राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, तो सर ये ह्यूमन राइट्स हैं। तो सर एक डिग्निफाइड जो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये राइट्स किसी भी कंट्री में किसी भी सिटीजन्स के लिए एसेंशियल है। पर सर कई मौक़ों पर देखा जाता है कि जो आर्म फोर्सेस या फिर आर्मी पर्सनल द्वारा जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के उन पर आरोप लगते हैं, तो सर इस सेंस में मैं कहूँगा कि जहाँ भी जो मिसयूज़ किया जाता है तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना चाहिए। और सर मींस एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है दोनों में, कि नेशनल सिक्योरिटी भी जो है सुनिश्चित की जा सके और सर जो ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के, जो सिविलियंस रहते हैं वहाँ पे, और जो कई बार सर जो एक्टिविस्ट की आपने बोला वो कई बार सर नेगेटिव सेंस में भी उसको, जैसे कि जो कसमल वो अजमल कसाब के राइट्स की बात करना, तो सर इस टाइप में जो है मीडिया में इन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, नेगेटिव सेंस नेगेटिव पोर्ट्रे देती हैं और आर्म फोर्सेस का जो है मोराल भी डाउन होता है, तो सर एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। ओके ओके, आकाश हम एक टर्म काफ़ी यूज हो रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स से, अर्बन नक्सलिज्म, जी सर, एंड हम देख रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट एज वेल, कुछ चीज़ों में कुछ लोगों के अगेंस्ट केसेस हो रहे हैं जहाँ पे कि उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स भी एक्सपोज हुए हैं। सो आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं इस टर्म से, एंड हाउ कैन वी एक्चुअली डील विद दिस, बिकॉज इट इज़ वेरी सटल
डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। सर जो जैसे कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो इनिशियली जो जंगल एरियाज हैं, फॉरेस्ट इलाके हैं, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। बट सर इस आइडियोलॉजी का जो प्रोपोगेशन जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में रहने वाले जो एकेडमिशियंस हैं इस पे, और सर जो जैसे कि जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, यदि उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाए और जो नक्सलाइट्स हैं उनके लिए शरण प्रोवाइड की जाए, तो सर इस आइडियोलॉजी को अर्बन नक्सलिज्म कहा जाता है। और सर इसमें जो है मैक्सिमम जो अर्बन वर्किंग ग्रुप, वर्किंग क्लास होती है, उसको टारगेट किया जाता है। जैसे ट्रेड यूनियंस हैं जो है उनको रेडिकलाइज करके या फिर उनके द्वारा उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाता है। सर मेरा ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अपने खुद सेल्फ रेगुलेशंस लाने चाहिए कि इस टाइप की जो है एक्टिविटीज़ को प्रमोट ना किया जाए। और सर गवर्नमेंट जैसे कि जो लॉज हैं उनके अंदर बुक करते हैं UAPA और सच जो कानून है, तो सर एक एक्टिव मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रखते हुए, और सर जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें बस कर्व करने की ज़रूरत है। ओके जी। व्हाट इज चित्रकूट फेमस फॉर? सर जो चित्रकूट है वहाँ पर सर एक कामतगिरी माउंटेन है, और सर उसमें माना जाता है कि जो राम भगवान थे वनवास के समय, वहाँ पर कुछ 10-11 ईयर्स उनके स्टार्टिंग का पीरियड था, वहीं पर उन्होंने उसी जंगल में और उस माउंटेन के आसपास वहाँ वो निकाला था वनवास। गुड। यू हैव डन पॉलिटिकल साइंस इन BA, राइट? जी सर। व्हाट इज हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, वेरी ब्रीफ में? सर सॉवरेनिटी एज सर जो हॉब्स आपने बोले पॉलिटिकल थिंकर, उनके रिस्पेक्ट में मेरे को नहीं पता, बट एज जनरल जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि सर किसी भी कंट्री के पास जो है अपने लॉ बनाने की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, और किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आकर उसके लिए अपने जो डिसीजंस हैं उसको नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अम्बेडकर इनिशियली टू फेयर एक्सटेंट सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, दैट ब्रिटिश रूल शुड बी देयर फॉर सम मोर टाइम, ऐसा क्यों था? सर आई थिंक जो उनका डिप्रेस्ड क्लास को लेके जो उनको अपलिफ्ट करने का तरीका था कि रिजर्वेशंस देना और उनके लिए प्रमोट करना एजुकेशन और जो वेरियस रिजर्वेशंस के थ्रू, उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग डूइंग गुड इन दिस फील्ड, सो आई थिंक दैट्स व्हाई जो है उन्होंने ये रिमार्क्स किए होंगे। ओके। स्टार्टिंग में व्हेन इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पहले कांग्रेस सिस्टम था, देन टू पार्टी सिस्टम आया, एंड नाउ वी आर इन अ कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम। सो व्हाट आर द चैलेंजेस पोज्ड बाय दिस कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम? सर जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो अनस्टेबल गवर्नमेंट कई बार देखने को मिलती है, सेकंड सर जो डिसीजंस लेने की पावर होती है, क्षमता होती है, वह सर कई बार स्लो होती है और बोल्ड डिसीजंस नहीं लिए जाते नेशनल इंटरेस्ट में, और सर जो है रीजनल इश्यूज को ज़्यादा तवज्जो मिलती है ना कि सर नेशनल इश्यूज को, तो सर ये सब, और सर जो करप्शन है और जो पॉलिटिकल बर्थ्स के लिए जो करप्शन किया जाता है सर, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। डू यू थिंक सच अ सिस्टम वीकेंस प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड स्ट्रेंथन्स द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट? सर द कोएलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि सर वेरियस अलग पार्टीज का कंट्रीब्यूशन रहता है और बनाने के लिए उनकी मेजोरिटी जरूरत पड़ती है, तो सर जो है बोल्ड डिसीजंस कोई PM या CM आउटराइट नहीं ले सकते हैं, तो इस केस में जो है कई रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर ऑर्डिनेंस बनाने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो है रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। सकाश जी, आपके पिताजी कृषि से रिलेटेड है, आप भी करते हैं कृषि में, आपका योगदान रहता है? पार्टिसिपेट नहीं करता हूं एक्टिवली अभी, बट जैसे अभी लॉकडाउन में मेरे को टाइम मिला था, एक डेढ़ साल का सर मैं गांव पर ही रहा था, तो सर मैंने वहां पे अपना, आप भी काम करते थे, क्या 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 फसलें? सर हमारे इधर जो खरीफ सीजन में मैक्सिमम सोयाबीन और उड़द किया जाता है, और सर जो रबी सीजन होता है उसमें सरसों, गेहूँ, चना और मसूर जो मसरा रहता है उसकी फसल की जाती है। कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं आपके रीजन में? सर मोस्टली जो ब्लैक सॉयल है सर वह अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इसके अलावा सर जो सैंडी सॉयल है कुछ ईस्टर्न इलाकों में वो भी पाई जाती है। जो काली मिट्टी है ब्लैक सॉयल, किसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी फसल के लिए? सर जैसे कॉटन रहता है सर उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कॉटन आप नहीं उगाते, आपके यहाँ नहीं होता है? जबकि काली मिट्टी है फिर भी नहीं होता सर, वाटर अवेलेबिलिटी भी एक इशू रहता है सर, अच्छा। पर आपका गांव, आप अशोकनगर से बताया, वो तो बेतवा नदी के पास है, तो वहाँ इरीगेशन नहीं सर, है कोई एक कैनल सिस्टम हमारे इधर नहीं है, तो उस वजह से इरीगेशन के इशूज रहते हैं। क्या क्या रहते हैं सिंचाई के, क्या क्या माध्यम रहते हैं पर्टिकुलरली हमारे एरिया में? कि सर ओवरऑल ओवरऑल मतलब इंडिया में भी आप बता सकते हैं? जो वेल
ट्यूबवेल्स के माध्यम से इरीगेशन किया जाता है, और सर जो जैसे कि स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन सर इनका यूज़ किया जाता है, और सर जो सरफेस इरीगेशन मैंने आपको बताया जो नॉर्मल पाइप्स के माध्यम से इरीगेशन किया जाता है, ये सर तीन मेथड्स, ट्यूबवेल वगैरह, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स, वेल्स, कैनाल, कैनाल्स, ठीक है। अभी अभी कृषि और किसान काफ़ी चर्चा में रहे हैं कृषि बिल की वजह से, अभी वापस हो गए हैं वैसे तो, पर आपका क्या विचार है, वो ठीक थे या कृषि के लिए वो बिल ठीक थे या सच में कुछ उनमें मुद्दा था? सर जो कृषि के लिए इतने सालों से जो मोस्ट अवेटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लोग लाना चाहते थे, गवर्नमेंट ने उसके लिए कोशिश किया, बट सर उनमें कुछ फॉल्ट्स भी थे। बट सर यदि मेरा मानना यह है कि यदि जो किसान लोग हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, यदि उनके लिए कॉन्फिडेंस में लेकर और सर जो वेरियस कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, यदि उनकी स्क्रूटनी के बाद यदि इस बिल को पास किया जाता तो डेफिनेटली सर एक अच्छा कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर सकते थे किसानों में, और एक फ्यूचर इंडिया में एक अच्छा एनवायरनमेंट किसानों के लिए। आपका मत है कि बिल ठीक थे जी, पर वो जिस तरह से लाए गए वो yes, वहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से जी इशू आया। गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अपने जो आइडियाज हैं। जो मूवमेंट हुई थी, जो रहा था, वो पूरा थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रहा था, क्या कारण है आपको लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या बाकी के, या उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ नहीं हुआ इसका असर इतना? सर इसके मुझे दो मुख्य कारण लगते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सेम ना होना, और सर सेकंड जो है एमएसपी का जो कारण है कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद से ही जो वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर जो है पैडी और वीट की जो फसल है ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, और सर जो एमएसपी का मैक्सिमम लाभ होता है वो इसी एरिया के जो है किसानों को द्वारा उठाया जाता है, ना कि सर बिहार में बहुत ही कम 5-6% लोग होंगे सर जो इसका। पर हरियाणा और यूपी की सरकार तो सेम है, सेंटर पे भी वही पार्टी है, स्टेट पे भी वही है, फिर क्या हो गया? यस सर, हरियाणा पर जो सेकंड रीजन आई थिंक ओके वेंट फॉर इट दैट एमएसपी इशू। एंड अच्छा, एमएसपी की चलिए आपने बात की है, एमएसपी को लेके भी काफी कुछ चर्चाएं होती रही हैं, तो एमएसपी के अंतर्गत क्या सरकार की ये ऑब्लिगेशन होती है कि उनको सारा जितना उनके पास आया है प्रोडक्शन उनको प्रोक्योर करना है? सर ऐसा क्लॉज है अभी गवर्नमेंट सर जो है 23 क्रॉप्स के लिए जो है एमएसपी इशू को मतलब निकालती है, बट सर एज सच कोई लीगल ऑब्लिगेशन अभी नहीं है। ओनली 2 क्रॉप्स हैं जो कि पैडी है और वीट है, जिसकी सर एक ज़्यादा मात्रा में प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सर 2 ही क्रॉप है। तो आपको लगता है कि ये करना चाहिए, एमएसपी आना चाहिए और ये लीगल गारंटी होनी चाहिए कि सरकार लेगी पूरा जितना आया है वो लेना है उनको सरकार? सर अभी मेरा पर्सनल इस पर थॉट ये है कि सर एमएसपी को लीगलाइज नहीं करना चाहिए, कई सारे इश्यूज हैं एमएसपी को लीगलाइज करने से लेके सर, जैसे कि गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, और सर जो इतनी सारी जैसे कि सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो क्रॉप होना है इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, लोग बाग सिर्फ जो है पैडी और वीट की फसल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। एग्जैक्टली, और सर जो बेनिफिट्स हैं सिर्फ जो 7-8% किसान होते हैं उनके द्वारा ही रीप किया जाता है। बहुत अच्छे बताया आपने। अच्छा एक और चीज़ है, ये प्रोटेस्ट चल रहे थे बीच में, थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू आया था यहाँ पे दिल्ली में जो हुआ 26 जनवरी वाले दिन, और बीच में ये बात भी आ रही थी कि थोड़ा सा खालिस्तानी एलिमेंट भी है, तो आपको लगता है ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये एक थ्रेट है भारत के लिए, और ये मतलब पहले आया था पंजाब में, ख़त्म हो गया, बट अब फिर से रिवाइव हो रहा है, कितना बड़ा थ्रेट लगता है आपको? जी सर डेफिनेटली जो हमारे एनिमी स्टेट है जैसे कि पाकिस्तान सर, वो कई मौक़ों पे जो उनकी पॉलिसी है दैट ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, तो सर इसके तहत वो अब जो जैसे कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है, और सर अलग अलग जगह से फंडिंग भी इनके द्वारा भेजी जाती है उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो सर जो अभी गवर्नमेंट ने रिपील करने का जो लिया है डिसीजन, उसमें सर कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू था कि 1980s और 84 के बाद से जो है जो जैसे जैसे सिचुएशन ठीक हुई अब वो कहीं फिर से ख़राब ना हो जाए। रेडिकलाइजेशन की आपने बात करी, और भी जगह है पूरे भारत में जहाँ पे ये रेडिकलाइजेशन का खतरा है? जी सर, कोई बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे है रेडिकलाइजेशन जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है? सर एक जनरल रेडिकलाइजेशन ऑल ओवर इंडिया कई इश्यूज को लेके जो है कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है, और मोर स्पेसिफिकली जो जे एंड के हमारा
सर वहाँ पर जो है रेडिकलाइजेशन एक बड़े इशू के तौर पे इमर्ज होकर आया।